22 जनवरी को भगवान रामलला भव्य और नए मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे अयोध्या में इसे लेकर तैयारी चल रही है। किसी भी मंदिर में जाएं वहां तैयारी हो रही है, अलग अलग तरह की तैयारी हो रही है। ऐसे ही एक जगह पर मैं अभी मौजूद हूं जहां लड्डू बनाए जा रहे हैं भगवान को भोग लगाए जाने के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि 1111 मन यानी लगभग 45 टन लड्डू का निर्माण किया जा रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से लड्डू का निर्माण किया जा रहा है और इसको वितरण करने की क्या व्यवस्था की गई है और क्या इसकी खूबी है और किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। आइए तस्वीरों के जरिए देखिए। सबसे पहले इस हॉल को दिखाते हैं कि ये कारीगर बनारस से आए हुए लोग हैं। ये सारे लड्डू बनाने वाले कारीगर बनारस के हैं, लगातार लड्डू बना रहे हैं और दूर तक जहाँ भी तक आप देखें कि परात भर भर के इसी तरीके से सब नए परात हैं, इन परातों में लड्डू बना करके रखे जा रहे हैं। और आइए अब दिखाते हैं कि लड्डू बनाए कहाँ जा रहे हैं और किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। अपने सहयोगी अतुल राज से हम कहेंगे कि ये देखिए इधर भट्टियाँ चढ़ी हुई हैं और ये सब लड्डू बनाने के सधे हुए कारीगर हैं जो अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये लड्डू भगवान रामलला को भोग लगने हैं। तो इन सबकी श्रद्धा है कि लड्डू बढ़िया बने, अच्छे ढंग से बने। तो ये सारे कारीगर इस ढंग से यहाँ पर घी, कहीं बेसन की भुनाई हो रही है, कहीं दूसरे कारीगर कुछ कर रहे हैं, बाकी कारीगर लड्डू का आकार दे रहे हैं। और इसी हॉल में दूसरी तरफ आप देखें तो सारे रस इसके मटेरियल्स की, बेसन की बोरी है, चीनी, भूरा, घी के सैकड़ों कनस्तर सब, और इसके नीचे, इस हॉल के नीचे गोदाम बनाया गया है जहाँ पे बनने के बाद लड्डू रखे जा रहे हैं, लड्डू बनाने के सामान भी रखे जा रहे हैं। यहाँ के जो व्यवस्था में लोग हैं उन लोगों से सारी जानकारी लेते हैं, उन्हीं लोगों के मुख से सुनते हैं। बहुत स्वागत है आपका, क्या शुभ नाम? रतनलाल अग्रवाल, सूरत। अच्छा, आप सूरत के रहने वाले हैं। रतनलाल जी, ये बड़े पैमाने पर लड्डू का निर्माण हो रहा है? जी भगवान, जी भगवान की कृपा से ही, ये देवरा हंस बाबा हमारे गुरुदेव है, उनकी कृपा से बहुत बड़ा ये आयोजन किया गया है। सबसे बड़ा उनको इतने आभास हो रहा है, हमको इतना हलोहाथ से साथ बोल रहे हैं हम कि एकदम से पुल से पुल कि जितना बने उतना बांटना, उतना बनना है। और जुट पड़ेगी सामान की सामग्री हम यहाँ से भिजवा दी जाएगी तुम्हारे पास। और 1111 का तो धैर्य रखा ही है अभी पहले स्वरूपोत में। कुल कितना बताया आपने? 1111 मन। 1111 मन, 1111 मन, उसका टोटल वैसे वजन हो गया 45,000 किलो, 45 टन। तो इतना ज़्यादा बनाने में तो बहुत ज़्यादा श्रम लगेगा, समय लगेगा, संसाधन लगेंगे, सब सारी व्यवस्था है? सब जी, सब व्यवस्था है। इसमें करीब 1.5 महीना लगने वाला, 45 से 50 दिन लगने वाले हैं। तो ये 22 जनवरी तक ये सब तैयार नहीं होगा, ये आगे तक बढ़ता जाएगा, बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा आगे से। ये बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिलहाल कब से शुरू किया है आप लोगों ने? हमने अभी 6 तारीख चालू किया है काम को। 6 तारीख से आ गए थे, 7 से भट्टी चालू हो गई थी हमारी। ये लड्डू अनवरत बनता ही रहेगा यहाँ, यानी 6 तारीख से शुरू हुआ है और 22 तारीख को चूंकि प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए तो तैयारियाँ चली रही हैं, लड्डू बन रहे हैं, उसकी पैकिंग भी हो रही है, उसके वितरण की व्यवस्था भी की गई है। और बहुत कह सकते हैं कि चूंकि भगवान को भोग लगना है, अर्पित होना है, तो उसी हिसाब से ये लड्डू बनाए जा रहे हैं और ये 22 तारीख के बाद भी इसी तरीके से बनते रहेंगे और भगवान को भोग लगेगा और वितरण होता रहेगा। एक दूसरे सज्जन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानते हैं। आइए आपके साथ आगे चलते हुए बात करेंगे कि बताएं कि ये चूँकि भगवान को भोग लगना है, किस चीज़ की लड्डू बनाई जा रही है? ये बेसन की लड्डू है, जो है बेसन की लड्डू बनाई जा रही है। इसमें चीनी और भूरा जो है, भूरा का प्रयोग किया जा रहा है और शुद्ध गाय का घी का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। और इसकी जो है मतलब लॉन्गविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसी शुद्ध के ये महीनों तक भी ख़राब नहीं होगा ये। अच्छा जी जी, वही एक सवाल आ रहा था, चूँकि 22 तारीख का अवसर है, आगे भी आप इसको बढ़ाएंगे तो अभी से ही बन रहा है। गाय के दूध में इतनी गुणवत्ता है कि उसके जो हर मतलब उसकी उसकी चीज़ों में आप समझ लीजिए शुद्धता इतनी है कि वो महीनों तक, पहले भी जब भूमि पूजन के समय में इसका प्रयोग हुआ था तब भी महीनों तक नहीं खराब, महीनों तक नहीं, इस बार भी और उसे मतलब बृहद प्रयोग किया जा रहा है उसको। अभी आप लोगों चाहते हैं कि 1111 मन यानी 45 टन बने, जरूरत पड़ेगी तो और भी बनाएंगे, आगे बनेगा। इसके अलावा में हमारे परम पूज्य श्री गुरु जी का आदेश है कि जो है कि उसके बाद 26 जनवरी से वो बकायदा वो दोने में वो जो है
मोहन भोग जिस हलवा के रूप में, हाँ भक्तों को मतलब 26-1 महीने तक वो भी बटेगा, 10,000 पर डे के हिसाब से, 10,000 पर डे के हिसाब से वो बनेगा। सैकड़ों थाल क्या परात कहें कि सब एक तरह के परात हैं, सब नए परात हैं, जितने बनाने के भी सब जितने भी बर्तन सब नए आए हैं, सब नए बर्तनों का प्रयोग किया गया, और सब अब इसमें शुद्धता का और सब बनाने का प्रोटोकॉल का पूरा नियम का फॉलो किया जा रहा है, किसी तरीके से मैं जी हाँ कारीगर मास्क लगाए हैं, ग्लव्स लगाकर बना, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है इसमें प्रसाद में। कितने ऐसे परात की व्यवस्था आप लोगों की तरफ? ये प्रयोग करीब 3,000 है, अभी 3,000 भी और परात आने वाले हैं, अभी 6,000 परात, और एक परात में मुझे लगता है कि 250 लड्डू जरूर। हाँ जी जी जी, और आगे वो जो है टिफिन में जिसमें जो है, और इन लड्डू इसी तरीके से ये लड्डू बनाकर परात में रखे जा रहे हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं, तो फिर इसको पैक किया जाएगा और सॉलिड भी हो जाए, फूटने का डर न रहे, फूटने का डर रहे, थोड़ा एक दिन इसको रखते हैं फिर उसके बाद पैकिंग करते हैं। अच्छा, तो जब ये सॉलिड हो जाए जो गोदाम बनाया आप उसमें ले जाते? नहीं नहीं नहीं, फिर इसके बाद सीधे डिब्बों में, हमारे स्टील के डिब्बों में इसको रखेंगे। जी हाँ हाँ, जो उसको जिसका यानी इस जो लड्डू जब ठोस हो जाएंगे तो इसके लिए पैकिंग की भी विशेष और खास व्यवस्था है। हाँ। कि जब अतिथियों को श्रद्धालुओं को दिया जाए तो उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ भगवान राम की नगरी में आए थे, भगवान राम को अर्पित किया लड्डू है, तो वो प्रसाद उनको दिया जाए तो भी अभिभूत हो जाए। तो उस किस तरह के डब्बे में रखा जाएगा, कैसे वितरण किया जाएगा, उसे भी आपको दिखाते हैं। आप ये सभी व्यवस्था में लगे लोग हैं, आपको यहाँ भी दिखाते हैं कि देखिए ये कुछ छोटे छोटे डब्बे हैं, ये देखिए डब्बा खोल के, ये छोटा डब्बा है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 लड्डू रखे गए हैं। इसके ऊपर भगवान राम की तस्वीर और मंदिर की तस्वीर भी लगाई गई है और पूरा डिटेल भी लिखा गया है कि श्रद्धालु को मालूम हो जाए। यहाँ देवराहा बाबा की तस्वीर है, हंस बाबा की भी तस्वीर है। देवराहा बाबा ने ही सबसे पहले भविष्यवाणी की थी, जब सब लोग गए थे तो उन्होंने बहुत ही सहज भाषा में कहा था कि बचवा मंदिर बनेगा और कोर्ट के आदेश से बनेगा और बहुत बढ़िया बनेगा, और उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। और उनके शिष्य बाबा हंस जी ने भी भविष्यवाणी की 1992 में, वो भी बिल्कुल सत्य निकली। और ये जो लड्डू का भोग होता है, लड्डू का प्रसाद होता है, ये उन्हीं की तरफ से सब तैयार कराया जाता है। एक बार जरा इधर दिखाते हैं कि यहाँ देखिए कि बहुत सारे लोग लगे हैं इन डब्बों की सफाई में, ताकि जब लड्डू रखा जाए तो बिल्कुल वो साफ हो, पवित्र हो, उसके ऊपर स्टिकर। और ये सिर्फ 5 लड्डू वाले ही डब्बे नहीं हैं, बड़े डब्बे भी यहाँ पर हैं। आप दिखाते जी, आप ये देखिए कि ये एक बड़ा डब्बा है और इसमें 11 लड्डू। हाँ 11 लड्डू है इसमें। और तो ये डब्बा जब दिया जाएगा तो सिर्फ डब्बा की कुछ और भी होगा इसमें? डब्बे के अंदर थे झोले के अंदर एक बुक रहेगी और एक चित्र रहेगा, अरे और क्या रहेगी, 3-4 ग्रंथ रहेगी इसके अंदर। इसमें चुंडी रहेगी, डिब्बा रहेगा, ये झोला रहेगा, पहले तो सबसे पहले तो ये झोला रहेगा अपना, इसके बाद में ये चुंडी रहेगी अपनी। अच्छा, चुनरी भी रहेगी और इसके अंग, और इसके साथ एक साहित्य दो तीन किताबें साहित्य की रखी जाएंगी। यानी इस डब्बे को इस झोले में रखा जाएगा, झोले में किस जो मुझे प्रसाद स्वरूप दिया गया ये रखा जाएगा, उसके साथ कुछ साहित्य होंगे और ये प्रसाद होगा, और एक 5 लड्डू का और एक 11 लड्डू का, और ये एक पुस्तिका होगी, भगवान राम की तस्वीर छपी है और इससे बड़ी भी पुस्तिका है। तो कई सारी यानी सिर्फ लड्डू प्रसाद ही नहीं, ये ग्रंथ भी होगा, ये एक कह सकते हैं कि अंग वस्त्र की तरह है, चुनरी है, ये भी होगा, और लगभग 5 चीज़ें और एक इस झोले में रखी जाएगी, और झोले पर भी सब बातें लिखी, तमाम बातें इस पर लिखी गई हैं। हाँ, सब देवराहा बाबा की सब वाणी इस पर लिखी हुई है झोले पर, कि जो व्यक्ति ले जाए तो देवराहा बाबा ने कब क्या कहा, क्योंकि बाबा देवराहा को ऋषि परंपरा का माना जाता था कि इस कलिकाल में अकेले वो ऋषि बचे थे, क्योंकि जब ऋषियों की बात करते हैं तो प्राचीन काल स्मरण में आता है, लेकिन देवराहा बाबा अकेले ऐसे संत थे जिन्हें ऋषि माना गया था, और वो सही मायने में ऋषि थे। तो अब देखें कि एक छवि भी, अब यहाँ भी देवराहा बाबा की, चूँकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जो पुस्तिका छापी गई है उसमें पहली तस्वीर भी देवराहा बाबा की ही है। तो आप देखिए कि सब कुछ यहाँ देवराहा बाबा मैं है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई है, और ये लड्डू। तो और सबसे
खास बात है कि सारे बर्तन नए हैं, ये बड़े बड़े भगोने, ये नए टिफिन डिब्बे, वो नए परात, सब 6000 परात नए, और ये लड्डू। अच्छा एक बात बताएं, ये लड्डू कहाँ के कारीगर बना रहे हैं? ये बनारस के कारीगर, बनारस के आए हुए हैं कारीगर, पूरी टीम के साथ वो अपने लगे हुए हैं, पूरा ये 1.5-2 महीने तक काम करेंगे। कारीगर किन की संख्या के कुल हमारे 50 है, 50 50 जी 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 लड्डू जी लड्डू जी लेडीज जेंट मिला के 50 लोग हैं। तो ये लड्डू में कुछ खास बेसन के लड्डू है, तो क्या इसमें और भी कुछ मिलाए जा रहे हैं? इसमें ड्राई फ्रूट है, काजू है, किशमिश है, इलायची दाना है, अपना केसर है, जी तमाम चीजें। इसमें कम से कम 6 महीने खराब नहीं होने वाले हैं, इसमें पानी की एक बूंद भी मात्रा नहीं है। प्योर देसी गाय का अपना है इसमें घी, जो चुनचुन राजस्थान से, गुजरात से, यूपी से, महाराष्ट्र से मंगाया हुआ है अपना, कि गाय के घी में बनाया जा रहा है। पानी पानी का बिल्कुल इसमें प्रयोग नहीं किया जा रहा है। चूरू राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बिहार से, यूपी से, यानी जहां से संभव हो सका, झारखंड से भी घी मंगाए गए हैं, और इस बात का ध्यान रखा गया है कि घी गाय का हो, देसी गाय की घी हो, ताकि उसमें निर्मित हो, क्योंकि भगवान को अर्पित होना है। तो एक बार फिर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस परात को दिखाएं कि ये 1111 मन, सुनकर थोड़ा आप लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है कि इतने सारे लड्डू, लेकिन ये बनाए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, और लगातार इसको बनाने में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब बनारस से आए हुए एक ख़ास तौर पर लड्डू बनाने वाले कारीगर हैं। और मैं आपको यहाँ जानकारी दूँ कि जब भूमि पूजन हुआ था, तब भी इसी भवन में यहीं पर लड्डू बनाया गया था। तब कितने लड्डू बनाए गए थे? तब 151 मन जी, तब 151 मन लड्डू बनाए गए थे, और उस समय भी बनारस के ही कारीगर आए थे, और उससे तो बहुत ज़्यादा इस समय, इस बार 1111 मन है, कई गुना हो गया, कई गुना हो गया। और वो भी उन्होंने कहा कि अगर उनके गुरु जी का मारा था कि राधा माँ की इच्छा हुई तो और भी आगे जाए, कहाँ रुकेगा यह, और भी आगे भी लड्डू बनाएंगे। हाँ जी हाँ, बनाएंगे, बाबा का आदेश रहेगा तो बनाएंगे जरूर से। हाँ बाबा का आदेश। आप देखें कि अब ये लड्डुओं की पैकिंग भी शुरू हो गई है, सारे इन जितने भी डब्बे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सब में 5-5 लड्डू रख दिए गए हैं। अब फिर इसको झोले में रखे जाएंगे, जब पूजन हो जाएगा तब इसका वितरण शुरू हो जाएगा। और मुझे और जो जानकारी है कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ कि पूरे देश भर के श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा, और सभी प्रदेशों में भी ये जाएगा, देश में भी, इवन जो बहुत से अभी यहाँ करीब कई कंट्रीज के भी लोग, प्रतिनिधि लोग आएंगे, और ये हमारे कैसे देश विदेश में भी जिनको कुछ लोग प्रसाद के रूप में भेजा जाएगा, विदेशों में भी जाएगा। हाँ, जी जी, यानी विदेशों तक ये लड्डू प्रसाद के तौर पर जाएगा। मुख्य बात और बताना चाहते हैं कि जिस दिन गर्भगृह में पूजा होगी, तो हमारे बाबा का आदेश है कि चांदी की 3 थालियों में जो है, 5-5 थालियों में वो जो है बड़े चांदी के थाल में, उसमें भोग गर्भगृह में रखा जाएगा। जी जी, यानी चांदी के 5 बड़े थाल में इन लड्डुओं को सजा करके जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो रही होगी, तो गर्भगृह में भोग लगाने के लिए जाएगा, तो सब भोग लग जाएगा, उसके बाद ही इसका वितरण होगा। तो अयोध्या धाम में इस लड्डू निर्माण को आप देखें कि फिलहाल तो 45 टन है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे और भी लड्डू बनाए जाएंगे और लोगों में बांटे जाएंगे, ताकि सबके आराध्य भगवान राम जब अपने नए भवन में विराजेंगे, तो कोई भी व्यक्ति प्रसाद से वंचित न रहे। ये कल्पना है, मुझे लगता है यही कल्पना है कि कोई भी प्रसाद से वंचित न रहे। जी हाँ, यही कल्पना है बाबा की। बाबा हम दोनों को ही भेजे हैं, दोनों को लड्डू बनाए। बाबा ने पहले मेरी परीक्षा ली 20 दिन तक, लड्डू ड्राई फ्रूट के, मेथी के, ये सब बनवा के मेरे का 20 दिन से हम विंध्याचल है। विंध्याचल बाबा अपने ऊपर, आप ये राधा कृष्ण की रसोई के अंदर मेरे से लड्डू बना बना के सब चक्के, फिर हम करके दोनों जाओ संभालो आप दोनों। अच्छा, पति बनाने के पहले कई तरह के लड्डू बना के परीक्षण किए गए, परीक्षण किए मेरे ऊपर बड़े उधर मन। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ कि चलो बेसन की लड्डू बनाते हैं, पहले कई तरह के लड्डू बनाए गए, परीक्षण हुआ कि सबसे बेहतर कौन सा बनता है, तो जब ये हुआ, पास हुआ एक तरीके से, तब जाकर के ये 1111 मन लड्डुओं का निर्माण शुरू हो चुका है, और उम्मीद की जा रही है कि 22 तारीख तक ये पूर्ण हो जाएगा, और उसके आगे तक ये लड्डू बनता रहेगा। और ये इस तरह का उत्साह भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी नहीं, देश नहीं, विदेशों में भी है,
लेकिन ये लड्डू प्रसाद यहाँ तैयार हो रहा है। वीडियो अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या।